हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। हार्दिक इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विनय शर्मा और जैसे कि आज मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं हाईलाइटर है ये, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। और मेरे चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ ये कितना बाई कितना आता है। तो जैसे कि ये सीट देख पा रहे हैं, ये 8x4 का आता है और 2x8 का भी आता है। इसका डिजाइन देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। और ये आपका ब्राउन ब्राउन के साथ देखेंगे, ये जो मेरा डिजाइन बना हुआ है ये गोल्डन लुक में है। जैसे कि मैंने इसको सीट कटिंग किया है, जैसे कि आप साइड देख पा रहे हैं, तो जो मेरा 2x8 फुट का सीट है पहले मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये मेरा 2x8 फुट जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और जो हाइलाइटर आया है इसके बीच में हाइलाइटर लगने वाला है। ये दरवाज़ा है मेरा, नीचे तक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये दरवाज़ा है, इसके बीच में हाइलाइटर है। और दोनों साइड में देखेंगे तो डिको हुआ है जो कि आपका ब्राउन लाइट में है और ऊपर में वाइट में है। तो यहाँ पे देखेंगे ये लेफ्ट और यहाँ पे देखेंगे तो ये लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन है। तो मैं इसको कटिंग और फिटिंग करके बताता हूँ किस हिसाब से आपको कटिंग करना है, किस हिसाब से आपको फिटिंग करना है और इसमें कौन सा आप फेविकोल भी लगा सकते हैं, एसआर भी लगा सकते हैं और बोन टाइट भी लगा सकते हैं। और इसको फिट करने के लिए यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आप, तो इसमें आप डायरेक्ट लगा सकते हैं और 8x4 का सीट वो भी आप पेंडिंग करके लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा 2x8 फुट है और इसका 4x8 फुट आता है। 2 फुट देखेंगे तो इस तरफ से देखिए, यहाँ पे भी आपका गोल्डन लुक में पेंटिंग किया गया है और इधर भी देखेंगे तो आपको गोल्डन लुक में पेंटिंग किया गया है। जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेरा कातरा है, तो आपको इस प्रकार से साफ करना है और पूरा ही क्लीन करके उसके बाद मेरा हाइलाइटर लगने वाला है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका 4.5 इंच है और हाइट में देखेंगे वहाँ से लेके यहाँ तक 39 इंच 2 सूत होता है। ये पूरा क्लीन करके तब आपको काम करना है। तो ये जो क्लीन लुक देख पा रहे हैं ये मेरा पॉली कोट हो चुका है, मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए ये मेरा पॉली कोट क्या हुआ है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा पॉली कोट है और ये ब्राउन कलर में है और काफ़ी लाइट है, बहुत ही अच्छा ग्लेजिंग दिया गया। इसके बाद मेरा हाइलाइटर लगने वाला है। इस प्रकार से आपको मिलाना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि ये डिको हो चुका है तो मिला के अच्छी तरह से मारना है, पूरा अटैच करके आपको मारना है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और फिर आपको रंधा हमेशा क्रॉस में मारना है हल्का सा ऐसे, ताकि जैसे कि ये खांचा है मेरा तो ये बैठ जाए अच्छी तरह से। क्रॉस मारने से एक फ़ायदा होता है, जो दोनों धार देख पा रहे हैं वो अच्छी तरह से सर जाता है और जो गैप होता है मेरा वो गैप नहीं दिखेगा आपको, वो पूरी तरह से ढक जाएगा, यही क्रॉस मारने से। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा कातरा बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। और सेम वहाँ पर देखेंगे इस प्रकार से आपको कातरा बनाना है, जैसे कि मैं दिखा भी दे रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से कातरा बनाना है आपको। और रंधा को हमेशा धार लगा के चलाएं ताकि माल आपका जो मेरा हाइलाइटर है वो अच्छी तरह से कटे।
और सामने में मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही अच्छी तरह से कातरा इसका बन गया है। और इस प्रकार से फिर आपको यहाँ पे मिलाना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये हाइलाइटर मिल गया है, तो आपको इस प्रकार से फेविकोल लगाना है, हाइलाइटर में भी लगाना है और पल्ला में भी लगाना है। जैसे कि मैं आप बता चुका हूँ आपको, पॉलीकोट हुआ पल्ला है। और इसमें देखेंगे तो वहाँ से वहाँ जो पेपर लगाया हुआ है ये ब्राउन में है और फिर वाइट है। इसमें आप नॉर्मल फेविकोल से भी कर सकते हैं, आप बोन टाइट से भी कर सकते हैं, और इसके लिए एक स्पेशल फेविकोल आता है उससे भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हैं ये हाइलाइटर में मेरा लग गया, तो आपको अच्छी तरह से लगाना पड़ता है ताकि पॉलीकोट में फेविकोल ना चला जाए। और कोना में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ मेरा कातरा है। उसके बाद इस प्रकार से रखना है, और इसके ऊपर से आप खिल्ला भी मार सकते हैं, नहीं तो एग्रो टेप से भी पेस्टिंग कर सकते हैं, या वेट देके आप रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा चुका हूँ, हाइलाइटर इसमें लगा हुआ है, और हाइलाइटर आप जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो डोर होता है, आप उसके ऊपर भी चारों तरफ घुमा सकते हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और बेड का जो हेडबोर्ड होता है उसमें भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप लेग बोर्ड में भी लगा सकते हैं, आप हॉल में भी लगा सकते हैं, आप पट्टे से भी चिपका सकते हैं। ब्रेक मारने के बाद जो उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, नहीं तो पूरा ब्रेक मार के आप पंच कर सकते हैं, उसके ऊपर से आपका टेचअप हो जाएगा और टेचअप आपको दिखेगा नहीं, देखने में खूबसूरत होगा। और जैसे कि देख रहे हैं 20 नंबर ब्रेक है, हेडलेस 3-4 20 नंबर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। और मैं इसका जो जैसे मैं पेस्टिंग किया हूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिटिंग करके और कैसा लुकिंग लगता है मैं दिखाऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।